वो रिचार्ज नंबर भी ले लिखा है, रिचार्ज कर दो कोई। हाँ ये यहाँ पे बता के देखो, ये एंशिएंट है हमारे नागपुर में, और नागपुर के गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक थोड़ी अलग जगह जा रहे हैं जो हमारे सिटी में ही है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत एंशिएंट जगह है। तो हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा वहाँ जाके वो जगह को एक्सप्लोर करते, क्योंकि वो बहुत कम एक्सप्लोर्ड जगह है, मतलब बहुत ही कम जगह को जगह पता है और इतने एंशिएंट है कि शायद आप लोग ने जगह देखी होंगी बट आपको पता नहीं होगा कि ये 238 ईयर्स ओल्ड है ये जगह, जो हमारे सिटी में ही सिचुएटेड है। तो अभी ऐसा है कि हम वहाँ जल्दी से जाते हैं और सुबह का टाइम है तो शायद वहाँ पर लोग देखने मिले नहीं देखने मिले, तो थोड़े जल्दी जाते हैं और वहाँ पर थोड़े जाके देखते हैं कि चीज़ें कैसी है। चलो चलो चलो। सो गाइस, तो जो मंदिर के बारे में हम बात कर रहे थे वो जस्ट हमारे बैक साइड है, और ये साइड से यहाँ से आता है एंट्रेंस का रास्ता जो आता है सोनेगांव की तरफ से, और ये पीछे जो रास्ता है ये जाता है एयरपोर्ट की तरफ। तो आप जब भी यहाँ पे आने का मतलब सोच रहे हो या फिर आप प्लान करते हो कि ये जगह आपको देखना है, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर आप आ सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट है हमारे नागपुर में, और नागपुर के एंशिएंट प्लेसेस में ये जगह को भी मतलब बोला जाता है, इसका नाम बहुत बार आता है। तो ये पीछे मतलब ये साइड में मंदिर है, और उसके जस्ट बाजू में पीछे थोड़ा जाने का रास्ता है, मतलब ये थोड़ा आपको ऐसा फील देगा कि थोड़ा मतलब जैसे जंगल के अंदर हम जब जाते हैं तो जैसा हमको फील होता है, तो उस टाइप का ये थोड़ा बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ पे अंदर में भी एक छोटा सा मतलब मंदिर टाइप वगैरह इन्होंने बनाया है, जहाँ पे मतलब अभी दूर से मैं देख रहा हूँ तो मैं कैसा दिख रहा है कि शायद वो हनुमान जी का शायद टेम्पल है वो अंदर में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ये रास्ता बनाया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सही में जाने के लिए ये रास्ता है। क्योंकि हम जब पिछले बार आए थे तो अंदर में हमको बहुत सारे लोग बैठे हुए भी दिखे थे, तो शायद ऐसा है कि ये दोनों मंदिर एक ही है बट इसकी बाउंड्री है, और ये जो है ये जंगल के बीच में है, और यहाँ पे मतलब ये पूरा ग्रीनरी है, ऊपर से पूरे झाड़ है और आजू बाजू भी पूरा मतलब ऐसा है कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही एक टाइप का है। और यहाँ पर कुछ बहुत पुराने कंस्ट्रक्शंस भी थे जो आजू बाजू में हमको टूटे हुए दिखते, तो इससे ये मतलब पता चलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एंशिएंट है, यहाँ पे पहले कुछ ऐसी चीज़ रही होंगी जो अभी फ़िलहाल के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट उसके कुछ जो छोटे छोटे प्रूफ और जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस जो पक्के नहीं थे जो टूट गए वो यहाँ पर हमको पीछे के साइड में देखने मिलते हैं। यह है वो पीछे के साइड जहाँ से मतलब हम अभी आए हैं, और ये साइड में वो कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो पुराने थे टूट गए, और ये अंदर में यहाँ पर वो टेम्पल है जो ये जंगल के बीच में, और बाकी पूरा साइड यहाँ पे ग्रीनरी है। मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फ़ोटोशूट के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए या फिर ऐसा जगह चाहिए जो एकदम नेचर से जो हमको कनेक्ट हो सके,
तो ये जगह बहुत बार था क्योंकि देखो ये शांत भी, यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं आते, और अगर आप यहाँ पे फोटो शूट या फिर कुछ अगर वीडियो शूट्स वगैरह भी करने आ रहे हो तो आप लोग के लिए मतलब ये जगह वर्थ रहेंगी, और आप लोग का काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से और आसानी से होगा। मतलब थोड़ा सा आगे आए थे तो यहाँ पे हमको दिखा कि ये देखो ये ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा पुराने कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा कि जो बाद के टाइम में काम नहीं आया और बहुत समय से रहने के बाद में वो टूट गया। और ये बहुत ज़्यादा मतलब पुराना, मतलब एंशंट टाइम का तो नहीं है, अभी का टाइम का, क्योंकि ये जो ब्रिक्स वगैरह वो अभी के टाइम की है यहाँ पे मतलब होता था, तो ऐसा हो सकता है 90s के टाइम पे यहाँ पे कुछ रहा होगा, क्योंकि ये सामने में भी यहाँ पे कैसा पिलर टाइप है, तो शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट ऑफिस या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो यहाँ पे, अभी तक मेरे को तो नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ तो भी था, क्योंकि थोड़े थोड़े दूर में से कंस्ट्रक्शन हमको दिख रहा है, और यहाँ पर इतनी ग्रीनरी और इतने झाड़ भी यहाँ पे है कि वो झाड़ों के वजह से यहाँ पे मतलब जो बिल्डिंग्स है उसको लग लग के गिरी गए, और शायद ऐसा हो सकता है कि बारिश वारिश के कारण ये भी दीवारें उतनी मजबूत नहीं रही, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी बड़ी दरारें भी है, तो हो सकता है कि कुछ रहा हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी सब चीज़ें हैं, और मतलब ये क्या है? अनिल, आकाश, अविनाश, अंकिता, वो रिचार्ज नंबर भी लिखा है, रिचार्ज कर दो कोई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये यहाँ पे बता के देखो, ये सब चीजें गलत है कि यार ऐसा जगह आते और ये सब ऐसी चीजें लिख के जाते हैं। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो कृपया करके तुम अपना नंबर मत लिखना, इंस्टाग्राम आईडी लगा देना ताकि फॉलोअर्स थोड़े बढ़ जाए। तुम करोगे क्या यार, तुम रिचार्ज मारोगे क्या? मैं लिखता हूँ नंबर। देश संकट में है। तो ऐसे यहाँ पे देखो, ये ऐसे ये जो फालतू काम करते हैं ना लोग, यार सही में ये वर्थ नहीं यार ऐसी अच्छी जगहों को खराब करने का। तो जो भी जैसे मैंने बताया था, ये बैक साइड है टेंपल का, और जस्ट उसी के पीछे यहाँ पे हनुमान जी का टेंपल है। तो आप यहाँ पे जब आओगे तो गाड़ी मत लेके आना, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो आप गाड़ी वगैरह लाते हो तो आपको ऐसा हो सकता है तकलीफ़ आ जाए, और बारिश का टाइम आते हो तो भूल से भी मतलब पूरा चिक्कल इतना हो जाता है कि आपकी गाड़ी पर फंस सकती है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जंगल है, और यहाँ पे बहुत ही वर्थिंग यहाँ पे प्लेसेस हैं। तो नागपुर अगर आपको घूमना है तो ऐसी जगह थोड़ा घूमो, ताकि आपको नागपुर में घूमने में ज़्यादा मज़ा आए, और पैंडेमिक के कारण बहुत जन अगर बाहर नहीं जा पा रहे, और आपको अगर कुछ अच्छी नई जगह एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आके करें, क्योंकि आपके लिए वर्थ है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि हमारे पास हमारे नागपुर के जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि अभी अमेजिंग कंटेंट बहुत अच्छे जल्दी आने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वहाँ पे मिलते रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लॉग पोस्ट कभी कभी नहीं हो पाते हैं, बट इंस्टाग्राम पे मैं उसका अपडेट कर देता हूँ, और उस पर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे हमारे सिटी से रिलेटेड या फिर कुछ अपकमिंग जो ब्रेकिंग जो चीज़ होती है उसके रिलेटेड वहाँ पे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना। टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पुअर, हेल्प ईच अदर्स, एंड टेक केयर। बाय बाय।